सुबह सुबह डोसा बना रहे क्या, पूरा होटल खोल रहे, इतना आवाज कर रहे कि सोने भी नहीं देते। मैं अच्छे से सो रहा था इधर जमीन पे पड़े पड़े, लेकिन ये मम्मा और ये पप्पा इतना किर 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 करते रहते सबेरे सबेरे, नींद भी नहीं होने देते पूरी। मुझे ही जाके देखना पड़ेगा कि किचन में क्या चल रहा और ये मम्मा कैसे डोसा बना रही। दीदी तू भी आ, ये देख ये क्या चल रहा किचन में, डोसा बना रहे, इडली बना रहे और इतना आवाज कर रहे। मम्मी क्या बना रहे हो? डोसा। अरे वो टूट गया। पापा को बुलाओ क्या? आप बना के दिखा दो पापा। इधर आ, इधर आ, इधर आ, देख। One, two, three, four, five, six. इतने छः, छः, वो देखो, सात, ये देख इधर देख, आठ। इतना बनाने के बाद में भी तुझे ये नहीं समझ में आया कि नहीं बन रहा हो तेरे से? हाँ? ठीक है ना, आप एक बना के दिखा दो। अब मैं अगर बना के दिखा दिया तो? हाँ तो दिखा दो बना। चल हट, हट। चलो बना लो पापा। सबसे पहले तुमने गलती की कि बड़े गैस पे उसको नहीं बनाया, उसको लगता बड़ा गैस। और ये तवा गलत है तुम्हारा, पहली बात तो ये तवा पूरा गलत है, ये तवे पे नहीं बनता हो, फ्लैट तवा होना उसके ऊपर। बुला तेरे माँ को। मम्मी। और अगर तुमको ऐसे लग रहा होगा कि ये तुक्के में बन गया तो एक बार देख ले। दिखा मुझे क्या टेक्निक यूज किया। देख। आंखें इधर। देख। धक्का मत लगा मेरे को, इधर नहीं ऐसा डिस्टर्ब नहीं करने का। बच्चे तू सीख जा, पापा से खाना बनाना सीख, इनके साथ में मत रहे। देख 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 जरा आके फाड़ के देख। वाह वाह वाह, खुद के लिए ही बना लिया। हाँ फिर अब तुम तुम्हारा बनाओ और खाओ। बहुत अच्छा बना उसका। भाजी तो लेके जाओ। कहीं दादा दादी देखो फिर से लेने के लिए तो नहीं आ गए कृष्णा? लेने के लिए ही आए थे को। अब तो जाना पड़ेगा ते को वापस हॉस्टल, दादा दादी के हॉस्टल जाने का। चल नहीं नहीं कृष्णा तू टेंशन मत ले, आज संडे, आज ते को कहीं पे नहीं जाने का है। मम्मी चलो ना, हुआ नहीं चलो ना, चलो हम हाँ हाँ चलो। तू इतने क्यों मायूस हो रही है? मैं नर्वस हूँ कल के एग्जाम के लिए पापा। दसवीं के एग्जाम के लिए नर्वस होते क्या? आपको मुझे ना हॉल टिकट भी लेना है, हॉल टिकट की जेरॉक्स भी निकालनी है, कितना सारा काम है। ये देखो ये रहा मेरा हॉल टिकट, अभी मुझे इसकी भी जेरॉक्स निकालनी है। कोई कितना भी कुछ भी बोल लो लेकिन टेंथ का जो टेंशन है ना वो भाई बहुत ज्यादा आता है ना। चलना क्या एग्जाम होने के बाद में आते अभी। मम्मी पापा आपका जब टेंथ का बोर्ड का एग्जाम था तब आपको कैसे फील हो रहा था? क्या फील होने का उसके अंदर, मैं तो एक बॉल पेन लेके गया था बस। एक बॉल पेन? हाँ। और मम्मी आपको? मैं तो बहुत सारी तैयारी करके गई थी। पापा के जैसे नहीं एक बॉल पेन लेके गए थे। क्या लेके जाते थे एग्जाम में? मैं तो पानी की बॉटल, हाँ। दो तीन पेन, पेंसिल, रबर, स्केल। देखो सब लेके जाना चाहिए लेकिन पानी की बॉटल कभी नहीं लेके जाना। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर पानी की बॉटल तुम पहले लेके चले जाएंगे तो तुम कौन से बहाने से क्लास के बाहर जाएंगे? तो क्लास के बाहर जाना क्यों? अब लड़के पानी की बॉटल नहीं लेके जाते तो 50 बार बाहर जाते क्लास के। हाँ, समझ गए। हाँ, क्या रहता ना अब जैसे कि समझो बहुत सारे आंसर वगैरह लिख लिए और कुछ कुछ ऐसे आंसर नहीं आ रहे तो चलो भाई बाहर जाके पानी पी के आएंगे और बाहर ऐसा अचानक ऐसा चमत्कार हो जाता
कि वहाँ अचानक सब कुछ याद आ जाता और बाहर से एक बार जाके आ गए क्लास में तो फटाफट लिख लेते सब लोग। हाँ, बाहर जाके पानी पीने में बहुत बड़ा चमत्कार है। क्लास के बाहर जाना, बाहर जाके पानी पीना और बाहर जाने के बाद में सारे क्वेश्चन के आंसर याद आ जाना, ये कैसे चमत्कार है? आपको पता है तो बताओ कमेंट में। चलो अभी मुझे जो जो लेना है वो मैं ले लेती हूँ। देखो मम्मी कौन सा ये वाला बॉल पेन कौन सा अच्छा है? और पेंसिल और क्या बाकी रह गया फिर? रबर वगैरह। रबर अरे बाबा ले लिया मैंने मेरा सारा सामान, अभी बस मुझे ना हॉल टिकट की जेरॉक्स निकालनी है, फिर डन सारा काम हो गया मेरा। तो ये देखो ये रहा पीछे जेरॉक्स सेंटर, यहाँ से मैं अपने हॉल टिकट का जेरॉक्स निकालूंगी। अब जेरॉक्स चाहिए इसका। चलो हॉल टिकट का जो काम है वो हो गया है, अभी हम जा रहे हैं घर पे। ए टीवी के सेटअप बॉक्स बिना रिमोट के चलने का, बिना रिमोट के मेरे आवाज से चैनल बदल देने का। मैंने आवाज दिया तो सीधे चैनल चेंज, अगर तूने मेरा नहीं सुना तो मैं स्क्रू ड्राइवर लेके तेरे को खोल डालूंगा, समझा क्या? तो चलो आपको मैं दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या चीजें लाई है। सो ये रहा मेरा ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड, ट्रांसपेरेंट वाला पाउच, और ये दो सेम पेन्स, और एक रेज। चलो फिर अभी मैं जल्दी से सो जाती हूँ, कल मुझे एग्जाम के लिए भी तो जाना है। गुड नाइट। यार मैं बहुत नर्वस हूँ कल के एग्जाम के लिए। चिकू कैसे होगा मेरा? तू टेंशन मत ले, मैंने तुझे कितने अच्छे से पढ़ाया, तो फटाफट पेन लेने का, मुंडी नीचे डालने की और धनाधन पूरा पेपर काला कर डालने का। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा, अभी मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट आप सबको भी। चिकू गुड नाइट बोल। रात को गुड नाइट नहीं, ओम नमः शिवाय बोल के सोने का। ओम नमः शिवाय। शुभ प्रभात, जय श्री राम। आज तेरी एग्जाम है ना, तो तू अभी जल्दी से उठ जा, तुझे जाने का नहीं है क्या एग्जाम देने के लिए? लेट मत कर दादा। मम्मी देखो ये दीदी नहीं उठ रही, उसको आके जल्दी से उठाओ। डिब्बू डिब्बू उठना जल्दी, उठ। अरे इसको तो बुखार आया। डिब्बू उठना बेटा, एग्जाम है आज। कुछ नहीं मम्मी, वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से बुखार आ गया होगा। तो मुझे है ना जुकाम हो गया, आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ ही रहा होगा, तो जुकाम की वजह से है ना मुझे फीवर भी हो गया। कोई बात नहीं, अगर मैं ये मम्मी को बताऊंगी ना तो मम्मी फालतू में टेंशन ले लेगी, और है ना मम्मी और पापा दोनों मेरे एग्जाम हॉल के बाहर ही बैठे रहेंगे, और एग्जाम क्या है मेरी 3-4 घंटे है, तो वो बाहर ही बैठे रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अभी मैं मम्मी को ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, अभी मैं नहा लेती हूँ, फिर इसके बाद में मुझे है ना 9 बजे घर से निकलना है, मेरा पेपर है 10 बजे, लेकिन एक घंटा पहले बुलाया हुआ है। आ गई मैं नहा के, और अभी आप किचन में चलो, देखो सुबह सुबह मेरी नानी है ना मेरे लिए है ना खाना बना रही है, और नानी कहती है कि है ना खाना खा के जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई ओ हैट इट टीयर पूरा तक के मतलब ना चल ना लोग देखो। पापा क्या आप नर्वस हो मेरे एग्जाम के लिए? मैं बस लाइफ में एक ही बार नर्वस था। कब? मेरे शादी के दिन। तेरे को कुछ कहना है चिकू, तू नर्वस है?
हमारे आर्मी वाले गोली मारने खाने के लिए नर्वस नहीं होते, और तू टेन के एग्जाम के लिए नर्वस हो रही। अभी ना मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं मेरी एग्जाम कैसी जाएगी। कोई कितना भी कुछ भी बोल लो, लेकिन यार नर्वसनेस तो होती ही है। हाँ हो गया, चल भगवान के पैर पर चल। हाँ हाँ चलो चलो। हे भगवान, हे कृष्णा, जिस तरह आपने अर्जुन को उनकी परीक्षा में राह दिखाई, उसी तरह मुझे मेरी परीक्षा में भी राह दिखाना। मैंने पढ़ाई करके अपना कर्म पूरा किया और फल की चिंता आप पे छोड़ दी। सब रात को ही प्रिपरेशन कर ली थी। चलो कुल टेंशन लेने का नहीं और नर्वस होने का नहीं। हाँ। समझे, ये लाइफ की है ना बस एक छोटी सी और पहली एग्जाम है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम देखने के, ये तो बस एक छोटी मोटी एग्जाम है। और देख, आज मैंने ना तेरे गुड लक के लिए ये लकी वाली टी शर्ट भी पहन ली। रोज तो यही टी शर्ट पहनते पापा, उसमें क्या लकी है। तो चलो, लड़ाई के मैदान में खड़े इस एग्जाम को भी उठा के पटक ही देंगे। चेहऱ्यावर किती आनंद आहे विद्यार्थ्यांचा, ताण मला खूप ताण असतो शाळेच्या परीक्षेचा, पण विद्यार्थ्यांचे हसत खेळ जातात। मुझे ड्रॉप करके पापा पुराने घर चले गए। जब तक मैं पेपर लिख रही हूँ तब तक आप देखो वहाँ क्या चल रहा है। हाथ से खाना नहीं खा सकता, इधर तो तेरी ऐश चल रही है। ऐश सुनन दो ना हमको भी। नहीं, अभी ये मेरे डिब्बू के लिए, एग्जाम से बाहर आएंगे तो सब मुंह मीठा करेंगे हम। पेपर छूट गया लगता है, सब बच्चा। हाँ, पेपर छूट गया। चलो जल्दी से उसकी शक्ल देख के पता चलेगा हमें। हंसते हुए आई तो समझो पेपर अच्छा आ गया, और ऐसा मुंह उतार के आई तो समझ लेना कि भाई पेपर अच्छा नहीं गया। आ गई, ये इधर है। हंस रही तो है। कैसा गया पेपर? एकदम बढ़िया। आ गई मैं। बाय, बेस्ट ऑफ लक। आज के एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गया मेरा। पता है क्या हुआ? पहले तो हमें आंसर शीट दी, वो तो 20 पेजेस की होती है। हाँ। तो उसके एक घंटे बाद ही मैंने ना मैडम को सप्लीमेंट मांगी, वो 10 पेजेस वाली। लिखा? हाँ, तो फिर है ना सारी लड़कियाँ मेरे पास देख रही थी। फिर उसके एक घंटे बाद और एक सप्लीमेंट मैंने मांगी 10 पेजेस वाली। फिर सब पेपर सॉल्व वगैरह होने के बाद में मैडम ने भी पूछा कि इतना क्या लिख दिया तूने। हाँ। और सारी लड़कियाँ जब पेपर ओवर हो गया, सब ले लिया ना, उसके बाद में सब लड़कियाँ कहा तूने सबसे ज्यादा लिखा, हमसे ज्यादा लिखा, तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सबको तो ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं होगा कि है ना काव्या इतना ज्यादा लिखेंगी, है ना। सबको ऐसे लगता होगा कि इतना ज्यादा उसकी पढ़ाई नहीं होती होंगी, वो तो बिजी रहती वीडियो बनाने में इसमें उसमें। लेकिन उनको क्या पता कि मैं पढ़ाई भी करती हूँ और वीडियोस भी बनाती हूँ, क्योंकि तो दोनों मेरा काम। 15 मिनट के वीडियो में जजमेंट नहीं होता। सुबह आप देख रहे थे ना मेरा मुंह कैसे हो गया था। तो इसी खुशी में एक डार्क चॉकलेट खिलाऊंगा। में है नहीं है कुछ तो बोल, क्या हुआ देखो आज टीचर ने मारा, कुछ बोला? मारा क्या, जरूरी रहता, बहुत जरूरी रहता मारा। बाय, अच्छे से पढ़ाई कर। आप इधर गले मिलके जाओ, क्योंकि अभी अपनी मुलाकात होगी अगले सैटरडे के दिन, ठीक है? बाय।
हाँ मेरा प्यारा पुत्र जाओ बाय जाओ 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 हमने कृष्णा को ड्रॉप कर दिया है स्कूल, तो दादाजी है ना लेने के लिए आ जाएंगे उसको, और दादाजी उसको पुराने वाले घर पे लेके जाएंगे, तो फिर हमारी मुलाकात कृष्णा से सैटरडे के दिन ही होगी। चलो चलो ऊपर चल के देखते हैं चीकू क्या कर रहा है। सो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो ये था मेरे एग्जाम का फर्स्ट पेपर, अभी तो और बहुत सारे पेपर होना बाकी है। और अगर आपकी भी एग्जाम चल रही है तो आपके पेपर कैसे चल रहे हैं मुझे कमेंट पे जरूर बताना, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारे लाइक कर देना, और हाँ चैनल को रेड वाला बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना। बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।